हेलो गाइस, सरस मिस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। तो इस मटर पनीर में ना तो मैंने ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया है और ना ही ज़्यादा मसालों का, फिर भी यह सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर मैंने पनीर लिया है, यह होममेड पनीर है। इस पनीर में मैंने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने गैस पर एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर गर्म कर लिया है। अब उसमें इस पनीर को डाल देंगे। इसको थोड़ी देर भून लेंगे ताकि इसमें अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। तो इसको 3-4 मिनट हो गए हैं। मैंने यहाँ पर गैस को मीडियम पे रखा है। तो इस पनीर के अंदर तक मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो मैंने उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया है और इस प्याज को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिसको ऐसे बारीक कट कर लिया है और साथ ही में 2-3 हरी मिर्चों को कट करके डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। इन सबको अच्छे से पकने देंगे। 5-7 मिनट के बाद में यह प्याज अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को पहले से उबाल लिया है, यह ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर आप चाहो तो टमाटर को छोटे छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हो, लेकिन टमाटर को ऐसे उबाल कर पीसने से इसकी ग्रेवी गाढ़ी बनती है, तो इसीलिए मैंने टमाटर को उबाल लिया है और उसी के साथ में आधा प्याज को डालकर पीस लेंगे। हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से भून गया है। तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच पनीर मसाला डाल देंगे। मैंने टमाटर और प्याज को ग्राइंड कर लिया है, तो इस सबको मिक्स कर देंगे। अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। यहाँ पर मैंने पनीर को मिक्स कर दिया है इसमें। और साथ ही मैं उबले हुए मटर को डाल देंगे। टमाटर की ऐसी प्यूरी लेने से ग्रेवी बहुत अच्छी गाढ़ी बनती है और साथ ही मैंने आधा प्याज को भी इसी में ग्राइंड कर लिया था। अब देख सकते हैं इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। ये अच्छे से पक गया है, तो आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हो। यदि आपको और गाढ़ा बनाना है तो उसको आप थोड़ी देर और पका सकते हो। लास्ट हम इस कसौरी मेथी को थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो आप भी इसी तरीके से मटर पनीर की सब्जी को बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें
ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।